ये लो भी आपका फोन हो गया है कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर से ये मतलब यूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम हो गया था फ्रंट कैमरा बंद हो गया था एकदम अच्छा भैया ने अभी बहुत अच्छा काम करके दिया हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो आज हम ये बनाने वाले हैं रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स दरअसल ये फ़ोन में प्रॉब्लम ये है ये फ़ोन का फ्रंट कैमरा जब भी हम ऑन कर रहे हैं तो फोन इस तरीके का कुछ हैंग हो जा रहा है और ये भाई आप बहुत दूर से आए आपने जैसे स्टार्टिंग में सुना हुआ ये बहुत दूर से अपना फ़ोन रिपेयर कराने हमारी यूट्यूब पर वीडियो देखी और हमारे पास फ़ोन रिपेयर कराने आए तो ये देख लीजिए हमने एक बार और आपको चेक करके बताया फिर हैंग हुआ तो अभी हम फटाफट सेट को ओपन कर लेते हैं पूरी तरीके से और ओपन करने के बाद हम आपको बताएंगे कि ये प्रॉब्लम किस तरीके से फिक्स किया जाता है तो ये देख लीजिए फ़ोन ओपन हो रहा है जब तक कि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए वीडियो पर नए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए आपके एक लाइक से हमारी वीडियो वैसे वैसे आगे जाती जाती है तो अभी हम कैमरे को जो है प्रॉपर अच्छी तरीके से बाहर निकाल के रख लेंगे कैमरे को इसलिए बाहर निकाल के रख लेंगे कि हमारे को कोई तकलीफ ना जाए क्योंकि कैमरे में अगर इतना सा भी थिनर वगैरह कुछ चले जाए लिक्विड चले जाए तो कैमरा ख़राब हो जाएगा तो ये देख लीजिए हमने सी की शील्ड वगैरह सब काट लेते हैं हम अच्छी तरीके से पूरी तो एक सी की शील्ड जो है कट चुकी है हमारी अभी हम इसको अच्छी तरीके से यू एफ एस चिप पर टेप वगैरह लगा देंगे उसको फ्लक्स लगाएंगे और इसे हिट मार के प्रोसेसर को बाहर कर लेंगे तो ये देख लीजिए बस प्रोसेसर हमारा गर्म होने ही वाला है तो बस थोड़ा सा वेट करना है हमें और धीरे धीरे ब्लेड अंदर डालनी है तो ये सी पी टाइट निकल रहा है हमारा तो ये इसको निकालने में थोड़ा हमें ज़्यादा हिट लगी है तो ये बहुत ज़्यादा टाइट था ये प्रोसेसर जैसा आपको समझ नहीं आ रहा होगा वीडियो में देख लीजिए ये प्रोसेसर हमारा निकल चुका है अभी इसके बाद हमको ये जगह प्रॉपर नीट एंड क्लीन कर लेनी है अच्छी तरीके से कि पूरी अच्छी तरीके से जगह साफ़ कर लेनी है सी पी की इस प्रोसेसर जो है हमारा वो भी नीट एंड क्लीन कर लेना है सी को अच्छी तरीके से पूरे कार्बन ब्रश से पूरा साफ़ कर लेना है और ये कुछ कुछ जगह स्क्रेचेस लगे हैं सी में तो ये अभी हम यू बी ग्लू लगा के इसे पूरे अच्छी तरीके से फिक्स कर देंगे और तीन बार सी को रिवॉल्व करना है और सी को जो नॉइज़ है हमें सही जगह रखना है आईसी लगाते टाइम तो ये देख लीजिए सीपीओ बस हमारा भी बैठने वाला है और इसके बाद हमें इसे हिट मार देना है तो देख लीजिए बस सीपीओ में जैसे जैसे नीचे धीरे धीरे पेस्ट बाहर आना चालू हो जाएगा वैसे वैसे हमारा सीपीओ बैठेगा तो देख लीजिए पेस्ट बाहर आना आ चुका है तो मतलब इसका ये है हमारा प्रोसेसर जो है वो बैठ चुका है थोड़ा सा हमने शेक भी किया हमारा प्रोसेसर भी हिल गया तो अब बारी आ जाती है फोन की फाइनल फिटिंग और टेस्टिंग की तो देख लीजिए अभी हम फोन को फटाफट पैक करते हैं और आपको डायरेक्ट कैमरा चेक करके बताते हैं फोन फुल फिट नहीं करेंगे अगर आपको भी कोई फोन रिपेयर

मतलब यूज करने में बहुत प्रॉब्लम हो गया था फ्रंट कैमरा बंद हो गया था एकदम अच्छा तो भैया ने अभी बहुत अच्छा काम करके दिया है अच्छा एकदम तो चालू हो रहा है फ्रंट कैमरा एकदम अच्छे से बढ़िया चालू हो रहा है बहुत बढ़िया चलिए ठीक आते रहिए